टेक्निकल ड्राइंग में आपका स्वागत है। ये सम का लेंथ 120 है, हाइट 75 है और विड्थ 60 है। हमें इसका आइसोमेट्रिक बनाना है, तो पहले हम लोग इसका बॉक्स बनाएंगे। तो उसके लिए पहले लेआउट ड्रॉ करेंगे। अभी ओरिजिन देखो, सीधा ऊपर 75, यहाँ पे 60 और लेफ्ट साइड पे 120 जाएंगे, बिकॉज ओरिजिन राइट साइड पे दिया हुआ है। तो ऐसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स काफ़ी लाइट होना चाहिए। इसके बाद फ्रंट व्यू में देखते हैं, दो पार्ट है, एक एंड दो। तो जो पार्ट वन है वो पास में है और पार्ट टू है वो थोड़ा पीछे है, तो इसलिए हम लोग पार्ट वन पहले बनाएंगे, बराबर। उसका लेंथ 60 है, तो 60 लेके, हाइट 65 लेके, यहाँ से 20 लेंगे और यहाँ से 15 लेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो हमारा पार्ट वन का जो फ्रंट पार्ट है वो बन जाएगा। अभी आइसोमेट्रिक में हमेशा याद रखिए, जो आगे है वो पीछे है। कितना पीछे है? 60। तो इसे पूरा पीछे लेके जाइए, 60 60 60 पीछे लेके जाइए और जॉइंट कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। तो हमारा पार्ट वन करीब करीब हो गया। अभी इसमें एक स्लॉट भी है 20 का, तो 20 लेंगे, ऊपर जाएंगे। ध्यान रखिए, ये हम लोग इंक्लाइन लाइन पे नहीं लेंगे, आइसोमेट्रिक लेंथ पे लेंगे और वहाँ से लाइन लेंगे। इसका मिड पॉइंट लेके 8 8 दोनों साइड पे लेंगे। ठीक उसी तरह नीचे वाली लाइन पे भी मिड पॉइंट लेके 8 8 दोनों साइड लेके जॉइंट करेंगे, जोड़ देंगे, तो ऐसे हमें स्लॉट मिल जाएगा। अभी ये जो डॉटेड पार्ट है वो हम बना रहे हैं, देखिए। तो स्लॉट कंप्लीट हो गया, स्लॉट पूरा हो गया। इसके बाद पार्ट टू, पार्ट टू देखेंगे तो वो पीछे है। ये 60 है, ये 30 है, तो कितना पीछे हुआ? 15। सो हम 15 पीछे जाएंगे और वहां से 60 नीचे जाएंगे, 60। उसके बाद हमें रॉम्बस बनाना है, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है। अगर आप ध्यान दें तो रेडियस 30 है, तो 60 60 60 का रॉम्बस बनाना है। और उसके बाद रॉम्बस में जो सर्कल बनाते हैं वो मेथड से हमें यहाँ सर्कल बनाना है। लंबा डायगोनल बनाया, सामने वाले मिड पॉइंट से लाइन जॉइंट किया, अभी ऊपर वाले कॉर्नर से आर्क बनाया, ये वाले कॉर्नर पॉइंट से वापस एक आर्क बनाया, तो आधा सर्कल हमारा बन गया जो हमें चाहिए, पूरा सर्कल नहीं चाहिए। इसके बाद ये जो सर्कल आगे है वो पीछे भी है, कितना पीछे है? 30। सो हम ये पॉइंट से 30 पीछे जाएंगे और हमारे पास एक मेथड है, कॉपी पेस्ट मेथड। उसका मतलब क्या होगा? जो रेडियस आगे है वही सेम रेडियस पीछे लेंगे। देखो, जो आगे है वो 30 पीछे जाके वापस ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट बना देंगे। तो इस हिसाब से जो सर्कल आगे है वो पीछे भी बन गया। आइसोमेट्रिक में ये कमाल की चीज़ है, जो आगे होता है वो पीछे होता है। उसके बाद यहाँ से देखिए, 30 प्लस 30 60, और बाद में ये हाइट ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोग यहीं पे अटक जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ से देखो, सेंटर पॉइंट से 30 30। अभी यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे, लेकिन वो मालूम नहीं कितनी है, वो उसकी हाइट हमें मालूम नहीं है। तो देखो, यहाँ से 30 30 30, एक्सट्रीम कॉर्नर से, एक्सट्रीम लाइन से 90 है और वहाँ से वर्टिकल लाइन, वहाँ से सीधी लाइन, बट वो कहाँ तक जाती है वो हमें मालूम नहीं है। इसके लिए हमें वापस टॉप व्यू देखना पड़ेगा। टॉप व्यू में देखो, ये 15 अंदर जा रहा है ये ब्लॉक, ये जो पार्ट है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ से 15 15 अंदर जाएंगे, 15 15 अंदर जाएंगे और पैरेलल लाइन बनाएंगे। पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ से 15 लेंगे, ऊपर से ऑलरेडी 15 ले चुके हम लोग और वहाँ से लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। देखो, ये पैरेलल लाइन बन गई, तो उससे क्या होगा, हमें हाइट मिल गई जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद पीछे जाएंगे 30, इसको भी पीछे लेके जाएंगे 30,
तो ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद ये जो पीछे का लाइन है, पीछे का जो कर्व है, उसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। इसके बाद अंदर और एक सर्कल बनाना है, डायमीटर 30। तो उसके लिए वापस हम लोग मिड पॉइंट ढूंढेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे, सेंटर मिलेगा। वो सेंटर से 15, 15, 15, 15 हर जगह मार्क करके, हर एक लाइन पे मार्क करके रॉम्बस बनाएंगे। सेम मेथड जो सर्कल बनाने का है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। लंबा डायगोनल, मिड पॉइंट जो रहेगा ऑपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे वापस एक बार सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, ये पॉइंट से ये आर्क, उसके ऑपोजिट पॉइंट से दूसरा वाला आर्क, बाद में जो मिलता है बीच में पॉइंट, वहाँ से तीसरा और यहाँ से चौथा। पूरा नहीं दिखेगा लेकिन जितना दिखता है उतना आर्क बनाइए। उसके बाद जो पार्ट वन का पीछे वाला हिस्सा है वो भी हम डार्क कर देंगे। कितना पीछे जाएंगे? 60। हमेशा याद रखो, जो आगे है वो पीछे है। आइसोमेट्रिक का ये रूल है। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, हम अभी आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे, तो जो आगे है वो पीछे है और डायमेंशन हम लोग सेम ले रहे हैं। धन्यवाद।